हेलो एवरीवन, आई एम अजस फालके फ्रॉम डिजाइन सॉल्यूशन। और आज की हमारी तीसरी क्लास है ऑटोकैड ट्रेन सेशन की। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे लाइन कमांड क्या होती है, उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, इसकी प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस कैसे काम करता है, उसे क्या कहते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ होती है। ठीक है, उसकी नेमिंग या उससे और दूसरी रिलेटेड कोई चीज़ में कोई डाउट हो आपको तो आपको पूछ सकते हैं। अपन शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो लाइन कमांड को सीखने के पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि लाइन का होती क्या है। ठीक है, दो पॉइंट्स को मिलाने से जो सेगमेंट बनता है उसी सेगमेंट को अपन लाइन कहते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, अब ऑटोकैड में या चलो मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे लाइन बनाना रहती है तो मैं क्या करता हूँ, स्केल से एक लाइन खींच देता हूँ। अब वो लाइन कैसे खींचाती है कि मैं एक पहला पॉइंट रखता हूँ पेंसिल से, फिर उसे सीधा सीधा लेके दूसरे पॉइंट पे जाके एंड कर देता हूँ, तो ये मेरी लाइन बन गई। ऑटोकैड में तो ऐसा नहीं होगा। अब ऑटोकैड में अगर मुझे लाइन बनाना है तो उसे कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का जो तरीका होता है वो होता है कीबोर्ड से मैं LINE लाइन टाइप करूँ या सिर्फ L टाइप करूँ। ठीक है, तो भी लाइन पकड़ रहा है, LINE लिया तो भी लाइन पकड़ रहा है और सिर्फ L टाइप करा तो भी लाइन पकड़ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने टाइप कर दिया, अब मुझे एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट करने के लिए एंटर दबाएंगे। किसी भी कमांड को अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो कीबोर्ड से एंटर दबाना है। ठीक है, अब फर्क देखो यूजर इंटरफेस का। इसमें अभी आपको जो कर्सर दिख रहा है, कर्सर मालूम है ना क्या होता है, ये जो अभी हिल रही है चीज़ इसे कर्सर कहते हैं। यहाँ पे जो कर्सर आपको दिख रहा है वो अभी प्लस और जो बीच में आपका स्क्वायर दिख रहा है वो स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप अभी डिफ़ॉल्ट हो, आपके पास में कोई कमांड एक्टिवेट नहीं है। अगर मैं एल एंटर करके कमांड लेता हूँ तो मेरे कर्सर कैसा हो जाएगा, पूरा पूरा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी कमांड में घुस चुका हूँ। ठीक है, प्लस का मतलब कमांड में घुसना हुआ और स्क्वायर दिख रहा है आपका तो आप अभी कमांड के बाहर हो। आप दूसरे तरीके से भी जान सकते हो आप कमांड में हो या नहीं। कमांड लाइन अपने को पता है क्या होती है, तो कमांड लाइन में क्या दिख रहा है अभी, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप लाइन कमांड में हो तो यहाँ पे लाइन कमांड लिखा हुआ है, अगर रेक्टेंगल होती तो REC लिखा होता या रेक्टेंगल लिखा होता, सर्कल होता तो सर्कल लिखा होता। ठीक है, तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वापस से मैंने एस्केप दबाया, अब मेरे पास में तीसरा एक और तरीका होता है जिससे कि मैं लाइन कमांड ले सकूं, वो होता है होम टैब से जाके मैं लाइन कमांड लेना। ठीक है, ये पूरा पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। इस रिबन को उन्होंने डिवाइड कर रखा है टैब्स में, और टैब पहला टैब क्या है, होम टैब है। तो होम टैब में लाइन कमांड दिख रही है मुझे, तो इस कमांड को मैंने लिया और ये मैं कमांड के अंदर आ गया। ठीक है, आ गया आपका समझ में। अब क्या करना है मुझे, मुझे लाइन बनानी है। तो लाइन बनाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, दो पॉइंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, पॉइंट्स कब बनते हैं, जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में कुछ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मुझे देने पड़ेंगे, उन्हीं को मिला के एक पॉइंट बनता है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पहले मैंने लिया, सबसे पहला पॉइंट जीरो। अब एक सेक्शन में तो लिखा आ गया, ठीक है, एक बॉक्स में जीरो लिखा आ गया, मुझे दूसरे बॉक्स में जाना है। तो उसके दो तरीके, या तो मैं कोमा दबाऊंगा एम की के पास वाले जो कोमा का की होता है वो, या फिर टैब दबाऊंगा। ठीक है, टैब दबाने से भी मैं साइकिल कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, टैब दबाने से साइकिल कर सकता हूँ मैं, और कोमा दबाऊंगा तो मैं एक बार ही उसमें जा सकता हूँ। आ गया समझ में। अब यहाँ पे मैंने लिया, टैब दबाया, पहले वाले सेक्शन में आया, पहले वाले बॉक्स में आया, और ज़ीरो दबाया, फिर टैब दबाया, फिर ज़ीरो दबाया, तो मैं आ गया यहाँ पे। पॉइंट दे दिया मैंने कि ज़ीरो कोमा ज़ीरो। अब ज़ीरो कोमा ज़ीरो मैथमेटिकली क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। तो एंटर किया मैंने, ठीक है, ये आ गया मेरा एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मुझे देना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस लिखूँगा फोर कोमा फोर। ठीक है, दूसरे वाले में मुझे कोमा दबाना है, अगर मैं कोमा नहीं दबाऊँगा तो मैं कोमा नहीं दबाऊँगा मैं तो क्या होगा,
वो सिर्फ साइकिल करेगा, वो इस वाले पार्ट में नहीं आएगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट वाले में। एंटर दबाया और ये मेरा लाइन बन गई। ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट बना है मेरा इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक, ये मेरी अभी लाइन बनी हुई है। और ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है, ये जो आपका यहाँ पे लाइन बन रही है, ये मेरी दूसरी लाइन बनाना चाहता हूँ अगर मैं, तो बनेगी। ठीक है, इससे मैं अगर एस्केप दबाऊंगा तो ये मेरी लाइन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वापस करके बताता हूँ आपको। एल एंटर, ज़ीरो कोमा ज़ीरो एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो ये फुल आपका ब्लू ब्लू में बता रहा है, इसमें डैश डैश लाइन कहाँ से जा रही है, तो ऊपर के पॉइंट से तो नीचे के पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, ये बताता है आपकी लाइन की लेंथ। ठीक है, लाइन है तो उसमें लेंथ ही दिखाएगी, विड्थ तो नहीं दिखाएगा, तो लेंथ ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा आपको 27, 28, 32, 30, ये आपका एंगल दिखा रहा है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो क्या करूँगा मैं, मान लो पहले मैंने लेंथ डाली 4 और टैब दबाया, क्या टैब दबाया मैंने यहाँ पे, एंगल चेंज करना है मुझे, तो मान लो मुझे कितना एंगल रखना है, तो 60 डिग्री रखना है, तो टैब दबा के एंगल वाले से बॉक्स पे गया और 60 दबा के एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, लाइन बन गई एक 60 डिग्री के एंगल पे। अब वो 60 डिग्री उन्होंने कैसे नापा, तो वो एक्स एक्सिस से नापता है हमेशा। ठीक है, आ गया समझ में, थैंक यू। इस वीडियो को अपन यहीं पर ही एंड करते हैं, अपन मिलते हैं इसी लाइन के कमांड के कंटिन्यूएशन में अगले वीडियो में। ओके बाय।